वन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, देखिए, अरवी की पत्ते की पकोड़े की रेसिपी, जो हम लोग का तरफ में इसको रिकवंच बोलते हैं। तो मैं इसी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोग बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। कोशिश करते रहती हूँ, जो आता है मैं वही शेयर करती हूँ। तो ये है अरवी की पत्ती, अरवी की। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, देखिए इसको दोनों तरफ से मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर मैं इस के लिए पहले से 2 घंटा पहले चावल भिगो के रख दी हूँ। चावल अगर आटा होगा आप लोग के पास, चावल का आटा तो ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं इसको भिगो के पीस ली हूँ। देखिए मिक्सर में पीस रही हूँ। तो इससे ना चावल का आटा डालने से क्रिस्पी बनता है और अच्छा बनता है। तो ये मैं पीस ली हूँ और ये मैं चावल का आटा अरवी के पत्ते के हिसाब से ली हूँ, थोड़ा था उसी से। ये लहसुन है, ये भी करीब 10-15 कलियाँ होंगी, मैं इसको कूट लूँगी। इसको पीस भी सकिएगा आप लोग, पीसने से भी होगा। मैं कूट ली हूँ अच्छे से और मैं सब इसको मिक्स कर दूँगी। ये बेसन है, करीब इसे 3 चम्मच लूँगी, ये छोटा चम्मच है उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। और पत्ती मेरे पास कम है, अगर ज़्यादा होने से आप लोग ज़्यादा लीजिएगा। और मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोग से शेयर करती हूँ, और जो आप लोग का घर में अवेलेबल सामान होगा उसी से मेरी रेसिपी बनती है, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। और ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, अब मैं इसमें सूखी मसाले डाल दूंगी। ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाल दूंगी। ये जीरा पाउडर है, ये छोटा चम्मच है, करीब 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ क्योंकि पत्ती मेरे पास कम था उस हिसाब से, और बहुत अच्छा लगता है ये। ये मिर्च पाउडर है, ये बहुत तीखा है इसलिए 1.5 चम्मच डाली हूँ। इसमें थोड़ा तीखा ही मिर्च लगता है क्योंकि पत्ती थोड़ा होता है अरवी का, उसमें तीखा ज़्यादा जाता है। अब मैं ये एक नींबू है तो इसका मैं जूस निकाल के डाल दूंगी। बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी बनता है, तो ऐसे आप लोग एक बार बनाइएगा। मैं इसका जूस निकाल दूंगी और मसाले को अच्छे से फेंट लूंगी। सभी बनाते होंगे लेकिन सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, तो मेरे को जो आता है मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग से। तो इसको मैं, एक नींबू था तो मैं इसका जूस निकाल के इसको अच्छे से फेंट लूंगी, मसाले को मिक्स कर लूंगी, देखिए कुछ इस तरह से। और जो मैं पत्ती आपको दिखाई थी धो के साफ करके, ये अजवाइन है, अजवाइन से अच्छी आती है टेस्ट और खुशबू भी, अजवाइन डालने से पेट के लिए भी अच्छा होता है तो, और खुशबू भी अच्छी आती है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो पत्ती मैं धो के रखी थी दिखाई थी, मैं उसमें अच्छे से इसको मसाले को, देखिए ये पत्ती है अच्छे से साफ करके रखी थी, अब मैं इसमें अच्छे से लगा लूँगी पूरी चारों तरफ से। बहुत अच्छा बनता है, मैं ये बोलूँगी आप लोग से। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा। और मेरा हर रेसिपी बहुत इजी होता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये मसाले को मैं पूरी अच्छे से पत्ते पे लगा दूँगी। इसमें मिर्च थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो मैं 1.5 चम्मच मिर्च डाली थी, मेरा तीखा वाला मिर्च था। इस मसाले को मैं अच्छे से इस पर लगा दूँगी और एक एक पत्ता करके इसमें मैं रखूंगी। देखिए अच्छे से मसाले को पत्ते पे लगा लूंगी और इसका उल्टा साइड रखूंगी ताकि जो रोल बनाऊंगी उसमें बहुत अच्छा से बनेगा। तो ऐसे बनता है हम लोग का तरफ में, मैं मम्मी लो से दादी लो से सीखी थी तो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और पहले के लोग देखिए ये सभी खाते थे, कितना तंदुरुस्त और चुस्त रहते थे ना ये सब अपनी रेसिपी खा के। उन लोग का इतना इजी और घर का चीज़ से ही होता था। तो मैं एक एक पत्ते को पूरा उल्टा उसका लगाऊंगी, एक इस तरफ से रखूंगी तो एक इस तरफ से रखूंगी ताकि उसका रोल बनाऊंगी तो बहुत अच्छा से बनेगा। तो ये मैं अपने दादी और माँ से सीखी हूँ, तो ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से। और हम लोग का गाँव का तरफ बनता भी है, आज भी ये बनता है। जो मेरे गांव के तरफ के होंगे उनको सब पता होगा, आता होगा उन लोगों को कि हम लोग का तरफ में बहुत बनता है और बहुत आदमी अच्छा से खाते भी हैं इसको, टेस्टी होता है, बहुत पसंद करते हैं खाना इसको।
मैं सब एक एक पत्ते को देखिए उल्टा इसका रख रख के करूँगी, ताकि रोल बनाने में ऐसे करके मैं दोनों तरफ से, और जो मसाले है उसी से सट जाता है, चिपक जाता है। तो अच्छे से मसाले को लगा लीजिएगा आप लोग भी, और मैं इसको अब अच्छे से रोल बना लूँगी। अगर नहीं चिपकने से उसको आप लोग ना सूता से भी बांध सकते हैं, और बाद में सूता निकल जाता है, तो मेरा ऐसे चिपक गया था, सूता बांधने का वो नहीं आया। मैं ऐसे करके इसको अच्छे से लपेट लूँगी और रोल बना के रख लूँगी। ज़्यादा नहीं था, मेरा दो ही बनेगा, तो मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे चिपकाने के लिए मैं और मसाले को थोड़ी थोड़ी लगाते जाऊँगी। देखिए आजकल कुछ रेसिपी पीछे से भी, मतलब दादी और परदादी का भी चल रहा है, आज तक भी चल रहा है, तो वो आप ले के अपना कल्चर चलना चाहिए। कहीं पे भी कितना भी हो जाए तो सबको ये करना चाहिए। सब आता होगा लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका होगा, तो आप लोग का कैसा तरीका है आप लोग बताइएगा। मैं तो ऐसे सीखी हूँ, तो मैं इसको ऐसे करके एक और था उसको भी मैं रोल कर ली हूँ, दो हुआ है मेरा। देखिए कुछ इस तरह से अब मैं इसको स्टीम करूँगी। तो स्टीम करने के लिए अगर आप लोग के पास स्टीम बर्तन होगा तो उससे कर लीजिएगा, मेरा पास नहीं है। तो ये मैं कढ़ाई ली हुई हूँ, इसमें पानी डालूँगी करीब 1 लीटर, और फिर मैं इडली का वो जो बर्तन है उसमें स्टीम करूँगी इसको। ये इडली का है, देखिए मैं दोनों तरफ से रख दी हूँ, और मैं ढक्कन लगा के स्टीम करूँगी इसको। कम से कम 10 से 12 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम में अच्छे से स्टीम करूँगी। ये देखिए ढक्कन लगा के मैं मीडियम फ्लेम में इसको स्टीम करूँगी। स्टीम हो गया मेरा, देखिए मैं दिखा रही हूँ, तो ऐसे करके देख लीजिएगा, होने से चाकू में नहीं लगेगा और अच्छा से चाकू में चला भी जाएगा। तो अब मैं इसको निकालूंगी और ठंडा करूंगी, ठंडा कम से कम आधा घंटा तक करूंगी इसको। ये मैंने ठंडा कर ली हूँ आधे घंटे तक फैन के नीचे रख के। अब मैं इसके आपको पकौड़ा बना के दिखाऊंगी, जो हम लोग का तरफ में इसको रिकवंच बोलते हैं और पकौड़ा भी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग अपना नाम होगा। तो ये अरबी के पत्ता है, यहाँ पे इसको कच्चू के पत्ते बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं पतला पतला काट ली हूँ, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये मैंने फ्राइंग पैन रख ली है, इसमें मैंने तेल डाल ली हूँ, तेल गर्म हो चुकी है। अब मैंने इसको अच्छे से दोनों तरफ से पलट के फ्राई कर लूँगी। इसको भी आप मीडियम फ्लेम में ही करिएगा, और अच्छे से टाइम थोड़ा टाइम लगता है फ्राई करने में, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है और क्रिस्पी बनता है। देखिए कुछ इस प्रकार से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग फुल देखा करिएगा और लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी आप लोग करिएगा, और मेरे को सपोर्ट करिएगा आप लोग। थैंक यू, और मेरे वीडियो को आप लोग देखा करिए।